Good morning, students. Myself Sanju Kanwar, lecturer electronics engineering. Students, aaj ke lecture mein hum electronic circuits ka topic push pull power amplifier padhenge, jo ki class B ka ek type hai. Class B amplifiers jo hai jinko double ended operation mein hum use lete hain, yani ki do transistor ek stage mein kaam mein lete hain. To is tarike se class B ke दो यहाँ पे डबल एंडेड एम्पलीफायर्स बन रहे हैं, पुश पुल पावर एम्पलीफायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर. तो आज के इस लेक्चर में हम पुश पुल पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो देखते हैं पुश पुल पावर एम्पलीफायर का सर्किट किस तरह से है. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेफ्ट में यहाँ पे इनपुट सिग्नल है, इनपुट एसी सिग्नल. इनपुट को एक ट्रांसफार्मर के थ्रू मैंने यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स में इनपुट दिया है, यानी एक ट्रांसफार्मर है डिवाइड कर रहा है इनपुट को दो वोल्टेजेस में V1 और V2 में, जो कि सेकेंडरी सेंटर टेप कॉइल के थ्रू यहाँ पे हो रहा है. V1 वोल्टेज जा रहा है Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पे इनपुट, V2 वोल्टेज जा रहा है Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पे इनपुट. अब ये जो दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मीन्स एक PNP है तो दूसरा भी PNP है, एक NPN है तो दूसरा भी NPN है, और दोनों के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं मटेरियल सेम लिया है, तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स हैं. अब ट्रांसफार्मर के जस्ट बीच के अंदर से देख रहे हम, जहाँ पर डिवीजन हो रहा है वोल्टेजेस का V1 V2 का, वहाँ पर एक सर्किटरी है. VCC वोल्टेज दिया हुआ है और R1 R2 दो ब्रांचेस में दिए हुए वोल्टेजेस रजिस्टर्स, और ये आउटपुट की तरफ जा रहे हैं. आउटपुट जो अगेन एक प्राइमरी सेंटर टेप कॉइल के थ्रू लिया गया, आउटपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू लिया गया, ताकि मुझे जैसा भी चाहिए मैं उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकूँ आउटपुट को. अब इस डायग्राम की खास बात यह है कि यह क्लास बी की तरह भी काम कर सकता है, क्लास ए बी की तरह भी काम कर सकता है. जब हमें क्लास बी की तरह काम करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, जब क्लास बी की तरह काम करवाना होगा तो R2 जो रजिस्टर है उसको ज़ीरो पुट कर देंगे. R2 रजिस्टर को ज़ीरो पुट करने से जो बेस पे वोल्टेज जा रहा है Q1 के VB वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि क्लास बी ऑपरेशन में हमने पढ़ा है कि एकदम कट ऑफ मोड पर काम करता है ये, तो क्यू पॉइंट जो है इसका कट ऑफ मोड पे होता है. क्लास ए बी के अंदर क्या होता है कि ये कट ऑफ के ज़रा सा नज़दीक होता है, थोड़ा सा लीनियर रीजन में एक्टिव रीजन में होता है लेकिन नियर अबाउट कट ऑफ. तो जब क्लास ए बी में करवाना होगा तो R2 को हम वी गामा के इक्वल कर देंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज के इक्वल कर देंगे, तो ये क्लास ए बी मोड में काम करेगा. तो इस डायग्राम इस सर्किट की खास बात है कि दोनों मोड्स में ये काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम R2 की वैल्यू को क्या लेते हैं. दो करंट्स फ्लो कर रही हैं इक्वल एंड अपोजिट करंट्स लूप्स में, ऊपर वाले लूप में I1 करंट, नीचे वाले में I2 करंट, मतलब IC1 कलेक्टर करंट और नीचे IC2 कलेक्टर करंट. आइए इसकी वर्किंग देखते हैं डिटेल में. देखिए सर्किट जो है क्लास बी ऑपरेशन में कब काम करेगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्लास बी मोड में तब काम करेगा जब R2 ज़ीरो होगा. R2 के ज़ीरो होने से क्या हो रहा है, R2 के ज़ीरो होने से ये हो रहा है कि VB बेस टू एमिटर वोल्टेज जो है मेरा ज़ीरो हो गया, और सिलिकन जो है ट्रांजिस्टर है बिल्कुल कट ऑफ पे आ गया. जब बेस से एमिटर को आपने शॉर्ट कर दिया, VB को ज़ीरो कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में आ गया. तो क्लास बी के अंदर यही होता है, कट ऑफ मोड में ही वो काम करता है, तो R2 के ज़ीरो होने पे कट ऑफ मोड में काम करेगा. अब क्लास ए बी ऑपरेशन के लिए क्या होगा, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको इस तरह से सेट करना है कि जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी गामा के इक्वल हो जाए, कट इन वोल्टेज के इक्वल हो जाए. तो इसका मतलब ए बी मोड के लिए एक्टिव रीजन में काम करेगा ये कि कट ऑफ, लेकिन नियर टू कट ऑफ है, इसलिए
इस वोल्टेज को हमने सिर्फ केवल वी गामा के इक्वल लिया, आर टू के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी गामा। अब देखिए सेंटर टेप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है यहाँ पे, इस ट्रांसफार्मर का फंक्शन है कि ये दो इक्वल और अपोजिट वोल्टेजेस दे रहा है वी वन एंड वी टू, जिन वोल्टेजेस को कहा जाता है पुश पुल वोल्टेज, एक पुश दूसरा पुल, इक्वल और अपोजिट की वजह से इनको दोनों को पुश पुल वोल्टेज कहा जा रहा है। दोनों ही ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में है। अब आगे की वर्किंग देखते हैं, जब एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि दोनों के पास दो इक्वल अपोजिट जा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है, एक पीएनपी है दूसरा पीएनपी है, तो दोनों के पास जब इक्वल अपोजिट वोल्टेज जाएंगे तो एक टाइम पर मेरा एक जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, सपोज वी वन पॉजिटिव है वी टू नेगेटिव है और ट्रांजिस्टर मैंने दोनों एनपीएन लिए हैं, तो क्यू वन ट्रांजिस्टर मेरा ऑन हो जाएगा और क्यू टू मेरा ऑफ हो जाएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो वी वन नेगेटिव हो जाएगा और वी टू पॉजिटिव, वी टू के पॉजिटिव होने से क्यू टू ऑन हो जाएगा और क्यू वन ऑफ हो जाएगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए मुझे आउटपुट मिल जाएगा। एक साइकिल पॉजिटिव साइकिल के लिए क्यू वन ऑन क्यू टू ऑफ एक ट्रांजिस्टर आउटपुट दे रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्यू वन ऑफ क्यू टू ऑन दूसरा ट्रांजिस्टर आउटपुट दे रहा है, वापस पॉजिटिव साइकिल आई वापस सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो मेरे को पूरी साइकिल के लिए आउटपुट कंटिन्यूस मिलता रहेगा दो ट्रांजिस्टर्स को एक स्टेज में लगाने से। अब जो आउटपुट करंट है, क्योंकि करंट भी इक्वल एंड अपोजिट फ्लो हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो जो टोटल आउटपुट करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस के। आई सी वन कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट लूप, आई सी टू इज कलेक्टर करंट ऑफ सेकेंड लूप, इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट करंट, आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू आई सी वन माइनस आई सी टू। आई नॉट जो प्रोपोर्शन, आई नॉट इज आउटपुट करंट, आई नॉट करंट इज प्रोपोर्शनल टू आई सी वन माइनस आई सी टू, प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, आई नॉट इज इक्वल टू के इंटू आई सी वन माइनस आई सी टू। अब आई सी वन की जो इक्वेशन है फोरियर सीरीज एनालिसिस जब कर रहे हैं तो इक्वेशन मेरे पास आ रही है आई सी प्लस बी जीरो, आई सी प्लस बी जीरो डी सी कम्पोनेंट्स ऑफ कलेक्टर करंट, क्योंकि इन दोनों के अंदर ओमेगा की कोई टर्म नहीं है इसलिए डी सी कम्पोनेंट है आई सी और बी जीरो। फिर बी वन कॉस ओमेगा टी इज फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ओमेगा टू पाई एफ है फ्रीक्वेंसी एफ है, तो बी वन कॉस ओमेगा टी फर्स्ट हार्मोनिक, बी टू कॉस ओमेगा टी, बी थ्री कॉस ओमेगा टी सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक। अब आई सी टू जो करंट है उसमें क्या हो रहा है, आई सी टू करंट में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा है, तो बी वन कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी प्लस पाई कर देंगे, हर एक के अंदर ओमेगा टी प्लस पाई कर देंगे हम, तो बी टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस पाई प्लस बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस पाई, तो आई सी टू मेरा आ जाएगा आई सी प्लस बी जीरो। अब कॉस 180 डिग्री प्लस पाई होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और कॉस टू ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू कॉस टू ओमेगा टी, तो जहाँ पर 180 डिग्री कॉस के साथ ऐड हो रहा है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो ऑड वाले टर्म्स में माइनस का साइन आ जाएगा। आई सी टू इज इक्वल टू आई सी प्लस बी जीरो माइनस बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस बी सी कॉस ओमेगा थ्री टी। अब दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे, आई सी वन माइनस आई सी टू करेंगे तो जो आई सी टू में पॉजिटिव टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी माइनस साइन की वजह से, जो नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ई और टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो मेरा जो आई नॉट है वो आ जाएगा के इंटू टू बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस टू बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस टू बी फाइव कॉस फाइव ओमेगा टी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि इस इक्वेशन में जो पहली टर्म है टू कॉस टू बी वन कॉस ओमेगा टी ये है फर्स्ट हार्मोनिक जो कि मेरा वांटेड फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मीन्स टू पाई एफ यानी वांटेड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये कंपोनेंट मुझे चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास टू बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक है, कॉस थ्री ओमेगा टी थर्ड हार्मोनिक, ये अनवांटेड है ये मुझे नहीं चाहिए,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डिस्टॉर्शन आ रहा है सेकेंड हार्मोनिक एब्सेंट है, सेकेंड हार्मोनिक एब्सेंट इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों कलेक्टर करंट का डिफरेंस था, डिफरेंस होने की वजह से इवन जो टर्म्स थी मेरे पास वो कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे जो पहला हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, पहला जो डिस्टॉर्शन आएगा वो थर्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से डिस्टॉर्शन नहीं आता है क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक मेरा वांटेड पार्ट है जो मुझे चाहिए, एफ फ्रीक्वेंसी मैंने ट्रांसमिट की थी तो मुझे एफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, सो दैट इज़ द वांटेड पार्ट। मुझे 2F, 3F, 4F नहीं चाहिए, 2F यहाँ पर एब्सेंट है कैंसिल होने की वजह से, 3F यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला जो डिस्टॉर्शन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रेजेंट इन क्लास बी कौन सा होगा, तो आपको बताना है कि D3, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रहा है, सेकंड एब्सेंट है। द फर्स्ट हार्मोनिक प्रेजेंट इन क्लास D3 इज D3। अब आउटपुट में आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक टर्म मिल रही है, इवन हार्मोनिक टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो फर्स्ट अवेलेबल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज D3। D3 की वैल्यू निकालने का तरीका हमें पता है, B3 upon B1। अब अगर Q1 और Q2 दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो मुझे इवन टर्म्स भी मिल सकती है अपने आउटपुट में और फिर डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। इस वजह से हम Q1 और Q2 को हमेशा आइडेंटिकल लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर मिलती है क्योंकि ये डबल एंडेड एम्पलीफायर है। नीटा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्लास बी ऑपरेशन की वजह से। डिस्टॉर्शन कम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन था वो कैंसिल हो गया, इवन हार्मोनिक्स सारे कैंसिल हो गए, केवल ऑड हार्मोनिक्स बचे हैं, तो डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे कम है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सर्किट, थोड़ा सा साइज इसकी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे बल्कि ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया, अदरवाइज इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने देखा एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी, डिस्टॉर्शन कम है और आउटपुट पावर भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है पुश पुल पावर एम्पलीफायर में। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।